बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के पाक कलाम से आज का व्लॉग का दिन शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जाने लगे हैं अभी सियालकोट, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कुछ लोगों को कि सियालकोट में जो है किला कालर वाला में वहाँ पे भी कुछ 4 या 5 तारीख को मेला लगना है। तो उसी सिलसिले में हम जाएँगे सियालकोट, वहाँ पर हम जब वो मेला देखेंगे और जो अपने कैमरे में कैच करेंगे और आपको भी मेला ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। और आपको उस व्लॉग के ज़रिए मुकम्मल कोशिश करेंगे आपको इंटरटेन करें, आपको जो मुकम्मल व्यू है उस मेले का वो दिखाएं। तो अब हम चलते हैं सियालकोट की तरफ, रेडी होते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं। ये बलियान भाई हैं, ये आयान भाई और ये ध्यान भाई और ये पापा। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अब हम जो है वो रवाना होने लगे हैं किला कालर की तरफ। फाइनली दोस्तों अब हम जो है वो सियालकोट पहुँच गए हैं और इस वक्त मौजूद अपने मामू की शॉप पे। ये देखिए ये जो है वो मामू की शॉप है, उसके बाद ये जो है वो मुर्गियों का काम करते हैं जैसा आपको पता है, ये इनकी शॉप है। ये देखिए अली एंड उमर बाटर चिकन शॉप के नाम से। तो ये यहाँ पे बच्चे सौदा ला रहे वीडियो बनेगी साड़ी सारे। ये देखें ये साथ में ये कतलम्मा है, इसके साथ ये जलेबियाँ भाई सासर निकालते जा रहे हैं। और ये अब जो है वो जो इनके पास कपड़ा सा होता है पर्दा सा, इसको भर रहे हैं सासर। इसके साथ ये जो जलेबियाँ हैं उनको वलेंगे, इनको वाल देंगे मुकम्मल एक। ये देखें ये अब इन्होंने टेस्ट कर लिया, अब इसके अंदर डाल के ये देखें ये जो है वो जलेबियों को वाल दिए जा रहे हैं। ये इस मेल के की दोस्तों रौनकें हैं जो कि यहाँ पे लगी हुई हैं। इसकी जो हिस्ट्री है वो हम आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि ये मेला क्यों लगाया जाता है, किस चीज़ का मेला है ये, इसकी सारी हिस्ट्री इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बाकी ये देखिए इन्होंने जो सेवियाँ बोल रहा हूँ यार, जो जलेबी है उसको इन्होंने वल दे दिया है। साथ ये जो परचेजिंग भी होती जा रही है, लोग आके चीज़ें परचेज करते जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये देखें साथ साथ जो लोग हैं वो चीज़ें परचेज करते जा रहे हैं। ये अब जलेबी है, ये परचेज भाई ने की है। अब ये जो है वो लड्डू परचेज किसी ने किए हैं ये भाई ने, तो वो भी भाई लड्डू डाल रहे हैं। मुस्लिम के मुकम्मल जो है ना दोस्तों वो रौनक लगी हुई है ये। ये इन्होंने ये जो है वो लड्डू लिए हैं यहाँ से मीठे, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे लेने की वजह से मिट्टी है, इसकी वजह से यहाँ पे तरपालें भी छाई जा रही हैं।
ये देखिए ये है जो सियालकोट में दरबार है, आप इसको यहाँ पे दरबार कह लें, कब्रिस्तान कह लें। बहुत ही तेज हवा चल रही है, मेरे खजूरों का दरख्त है जिसमें देखे खजूरें कैसे लदी हुई हैं, अभी कच्ची हैं। देखे और ये बेर का दरख्त है, ये जो है उधर बाहर है इस कब्रिस्तान में। जो जो भाई इस जगह के करीब रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं सियालकोट में किला कालर, उस उनको इस जगह का ज़रूर पता होगा। मैं अब आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके दिखाता हूँ, ये दरबार के बीच में इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आ गए, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये काफ़ी भाई जो है वो पहचान गए होंगे इस जगह को। ये देखे दरबार शरीफ मीरा सरकार, ये दरबार है। इसी दरबार के सिलसिले में जो है वो यहाँ सियालकोट में मेला लगना है 5 या 4 तारीख को। ये देखिए ये दरबार की दूसरी साइड है, इस साइड से ये जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये जो है वो दरबार की बैक साइड है और ये जो है ये हमारी नाना बू की कब्र है, अल्लाह ने जन्नत में जगह अता फरमाई। अब इनके लिए मैं जो है वो थोड़ी सी दुआ कर लेता हूँ। और इस साइड पे ये हमारे मामू की है कब्र, जो हमारे सबसे बड़े मामू थे, ये उनकी कब्र है। तो अब हम थोड़ी सी दुआ करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो वो आप आंधी देखें, ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होती है या नहीं। तो ये दरबार है, अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। तो ये सराका भाई हैं, ये रेहान भाई। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा दरबार से बाहर चलते हैं और एक जो है वो क्रिकेट मैच लगाते हैं सारे भाई। तो क्या आप सब रेडी हैं क्रिकेट मैच के लिए? हाँ जी। तो ये लियान भाई भी रेडी हैं, इनके हाथ में बैट है, सलाका भाई के हाथ में जो है वो बॉल है। तो अब हम चलते हैं हवेली में, नहीं नहीं अब हम चलते हैं हवेली में, उसके बाद फिर यहाँ पे मैच लगाते हैं।